हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी APSWMO की क्लास। BPSC ने असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली थी और हमने उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, जिसमें लेक्चर वन में हमने यूनिट फर्स्ट कवर करी थी। यूनिट फर्स्ट का पार्ट कवर किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने लेक्चर वन में कवर किया कि सॉलिड क्या होता है, बेस्ट क्या होता है, बेस्ट कितने टाइप का होता है, उसका सेग्रीगेशन। नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर टू में हमने कवर किया इवोल्यूशन ऑफ बेस्ट कहाँ से हुआ और भारत में इसका स्कोप क्या था, कब क्या इसकी हिस्ट्री थी। अब नेक्स्ट हम अपना सिलेबस देखते हैं। आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, इंटीग्रेटेड, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट को हमें पढ़ना है। व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच, व्हाई इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब व्हाई इट इज़, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट, क्यों इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट ही करना चाहिए, नॉर्मल अगर सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट करें तो उसके क्या बेनिफिट नहीं है, जो हमें नहीं बेनिफिट हमें नहीं मिलेंगे, प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड बेस्ड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और ऑपरेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम क्या ऑपरेशंस हैं इसके, वो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट, लेट्स डिफाइन इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट क्या होता है। इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट रेफर टू द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड बेस्ड कवरिंग ऑल सोर्सेज एंड ऑल एस्पेक्ट्स कवरिंग जनरेशन सेग्रीगेशन ट्रांसफर शॉर्टिंग ट्रीटमेंट रिकवरी एंड डिस्पोजल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद एन एम्फेसिस ऑन मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स यूज ऑफ एफिशेंसी। मतलब अगर आसान भाषा में शब्द ने समझने की कोशिश करें कि इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट क्या होता है, तो मतलब एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहा जाता है, ये एक स्ट्रेटेजी है या एक रणनीति है जिसमें हम अपने जो बेस्ट है उसका सस्टेनेबल यानी कि संधारणीय प्रबंधन करते हैं और इसमें कवर करते हैं ऑल सोर्सेज या एस्पेक्ट्स को, लाइक कि बेस्ट कहाँ से जनरेट हुआ, जहाँ से जनरेट हुआ है वहाँ से हर चरण को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जनरेशन सेग्रीगेशन भी हमें करना है, उसका उसको ट्रांसफ़र करना है, मतलब अगर होम से ये जनरेट हुआ है तो इसको म्यूनसिपल साइट तक या डिस्पोजल साइट तक हम ले जाएंगे, इसकी सॉर्टिंग करेंगे ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब अगर इतना है उसके ट्रीटमेंट के बाद मेन काम यही तो होता है बेस्ट का कि इतना सा बना दें ट्रीटमेंट करके, या फिर उसकी रिकवरी अगर किसी चीज़ की उसमें से रिकवरी हो सकती है तो वो रिकवरी डिस्पोजल, यही कुल मिला के ये सारी चीज़ें जब कर ली जाती हैं तो वो कहलाता है इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट क्या है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक रणनीति है जिसमें जहाँ शुरू में ठोस जनित हुआ था उस चरण से लेकर अंतिम डिस्पोजल तक के सभी चरणों को शामिल किया जाता है, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। व्हाट इज इट इज दैट मींस, मतलब चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की क्या है इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट की। सिटीज विद इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनॉर्मस लेवल ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग हजार्डियस एंड टॉक्सिक वेस्ट। आपको पता ही है सिटीज में जैसे जैसे हमारा कोई भी शहर है अगर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो वहाँ पर वेस्ट जनरेट होना भी बढ़ेगा, हजार्डस भी हो सकता है टॉक्सिक वेस्ट भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, चेंजिंग लाइफ स्टाइल, हमारा जो लाइफ स्टाइल है आज इतना बढ़ गया है कि हम यूज़ एंड थ्रो का लाइफ स्टाइल हमने अपना लिया है, जिस वजह से कंपोजिशन ऑफ वेस्ट इज़ ऑल्सो चेंजिंग। हम वेस्ट बढ़ती जा रही है कंपोजिशन वेस्ट की, एक ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट दैट बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट लैंड ह्यूमन हेल्थ क्लाइमेट एंड सो ऑन।
ग्रो कर रहा है बहुत जल्दी, नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर वेस्ट का। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के हमने जैसे डिवाइड करा था ना, डिफरेंट टाइप में ई वेस्ट, एम BMW बायोमेडिकल बेस्ड, डिफरेंट टाइप कैटेगरी में हमने इसको क्लासिफाई किया था। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है इसकी, कॉस्ट बहुत आ जाती है इसके डिस्पोजल में, और कोऑर्डिनेशन ऑफ बेस्ड मैनेजमेंट हैज़ नेसेसिएटेड मल्टी स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन एवरी स्टेज ऑफ द बेस्ड स्ट्रीम। दिस कॉल फॉर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू बेस्ड मैनेजमेंट। लोकल गवर्नमेंट आर नाउ लुकिंग एट बेस्ट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने बताया था कि बेस्ट टू वेल्थ का एक कंसेप्ट आ गया है, पहले तो बेस्ट को फालतू ही समझा जाता था, बट अब जो स्थानीय सरकारें हैं वो बेस्ट को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगी हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज कंटेन विद इट दैट कैन स्टिल बी यूज, रिसाइकिल हम जिनको कर सकते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं रिसोर्सेबल वैल्यूएबल रिसोर्स को, और टू सेफली प्रोसेस एंड डिस्पोज बेस्ट विद अ मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सेग्रीगेशन इसका इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, या रिड्यूस करते हैं हम इसके वॉल्यूम को ताकि कम हो जाए डिस्पोज के टाइम पर एंड में। बेनिफिट क्या है इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट के? क्लीनर एंड सेफ नेबरहुड, यह आपके जो परिवेश है उसको साफ करता है और सुरक्षित भी करता है, क्योंकि अगर हजार्डस बेस्ड पड़ा रहेगा तो वो रेडिएट जनरेट करेगा जिस वजह से आपके लिए खतरा हो सकता है। तो फर्स्ट यही बेनिफिट है इसका कि ये क्लीनर है और आपके नेबरहुड को सेफ करता है। हायर रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी, यूज़ एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है। रिसोर्स ऑगमेंटेशन मतलब अगर आप एक चीज़ यूज़ करके फेंक रहे हैं एक बार में तो वो ऑगमेंटेशन तो नहीं हुई ना, मतलब वृद्धि तो नहीं हुई ना, रिसोर्स की वृद्धि करता है। आप एक चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो मतलब वृद्धि हो रही है, ज़्यादा टाइम तक चलेगी, सेविंग्स होती हैं वेस्ट मैनेजमेंट करने से। फाइनल वेस्ट फॉर डिस्पोजल मतलब बहुत कम वेस्ट बचता है डिस्पोजल के लिए, फिर वो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है डिस्पोज करने में। बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस वेस्ट टू वेल्थ का कंसेप्ट कितना लाभदायक है। लोकल ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पार्टिसिपेशन, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसकी हायरार्की देखें सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट की या इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले सपोज दैट हमारे पास इतना वॉल्यूम है बेस्ड का, अब हम इसको रिडक्शन करना है फर्स्ट लेवल पे। रिडक्शन करने के बाद सपोज हमारे पास इतना हो गया, ये पूरा इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट की अप्रोच और हायरार्की है कि हम उसको कैसे करते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास ये वॉल्यूम था, हमने इसको रिड्यूस करा तो इतना वॉल्यूम हमारे पास रहा, हमने अब इसको रीयूज़ करा, अब इससे भी कम वॉल्यूम हमारे पास हो गया, इसको हमें रिसाइकल कर लेना है। उसके बाद ये वॉल्यूम हमारे पास बचा, इसमें से अगर किसी चीज़ की रिकवरी हो सकती है तो वो हम करेंगे। फाइनली अब सिर्फ इतना बचा, तो इतने से अच्छा है कि हम इतना बचा के और इसको डिस्पोज करें। इसलिए ये हायरार्की है कि हमें सबसे पहले मोस्ट फेवर ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम रिड्यूस करें अपने बेस्ट को, और लीस्ट फेवर ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम अब कुछ नहीं हो सकता जब बेस्ट का, तो हम इतने को डिस्पोज कर सकते हैं ना कि इतने को। इतनी बड़ी अमाउंट से आप कहीं डंपिंग साइट पे जाके पृथ्वी में गड्ढा खोद के दबा के आए, उससे अच्छा है आप इतनी छोटी सी चीज़ को पृथ्वी में डंप करें। तो इसलिए एक हायरार्की है और ये पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछ ली जाती है कि हायरार्की में बेस्ट ऑप्शन क्या है बेस्ट को रिड्यूस करने का, तो वो रिडक्शन है। समझने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं इसके, वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये सबसे पहले जनरेट हुआ, उसको सेपरेट कलेक्ट करेंगे, ट्रांसफ़र ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रीटमेंट डिस्पोजल रिडक्शन रीयूज़ रिसाइकल रिकवरी। आपको पता होगा कि हम लोग तो सिर्फ वेस्ट जनरेट कर देते हैं, लेकिन जो हमारी म्यूनसिपालिटी है लोकल गवर्नमेंट है वो उसको कलेक्ट करती हैं। आजकल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, वो ट्रांसफ़र करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं उसको, जहाँ म्यूनसिपल साइट जो बनाई गई है उसका ट्रीटमेंट करती है,
उसको रिड्यूस करती है, रीयूज़ रिसाइकल में सेग्रीगेट करती है और फाइनली उसकी रिकवरी करती है। तो इसमें स्टेक होल्डर्स आप देख सकते हो, लोकल गवर्नमेंट, कुछ एनजीओस भी हो सकते हैं, सर्विस यूज़र्स हो सकते हैं, प्राइवेट इनफॉर्मल सेक्टर हो सकते हैं और डोनर एजेंसीज भी हो सकती हैं। फैक्टर्स क्या हैं इसमें? टेक्निकल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी या पॉलिटिकल, लीगल और पॉलिटिकल। प्रोसेस टाइम के बाद फाइनली रिजल्ट क्या होता है इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट का, कि हम सस्टेनेबिलिटी की ओर मूव करते हैं। दैट्स व्हाई इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट इज टू मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसका फाइनल आउटकम क्या होता है कि हम या हमारा जो सोसाइटी है वो सस्टेनेबिलिटी की ओर मूव करती है। और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, लाइफ साइकिल क्या है इसकी और इसका प्रस्पेक्टिव क्या है। सपोज दैट हमारे पास नेचुरल रिसोर्स, रिसाइकल रिसोर्स, अभी आप इतना समझिए कि हमारे पास ये रिसोर्स है नेचुरल बेस्ड की, और आप ये रिडक्शन या सेग्रीगेशन अभी कुछ मत देखिए, अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि आपके पास एक रिसोर्स था, आपने इससे कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, ठीक है, आप उसको डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, कंजम्पशन हुआ, या फिर पहले कोई प्रोडक्ट बनाया और उससे फिर फाइनल एक कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने कंज्यूम करा, डायरेक्ट कंजम्पशन या बाय प्रोडक्ट कंजम्पशन, ठीक है, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड करेंगे, ये हमारी साइकिल थी अभी तक। लेकिन अब इंटीग्रेटेड बेस्ट मैनेजमेंट या बेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसमें जब प्रोडक्शन करा उसमें आप एक फैक्टर आ जाता है रिडक्शन, कि मतलब जो बेस्ट कर रहे हैं उसमें कम से कम बेस्ट जनरेट करें, और इस पहले प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उससे फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका सस्टेनेबल कंजम्पशन करें, उसमें भी प्रोडक्शन घटाएं जो बेस्ट जनरेट हो रहा है। कंजम्पशन के बाद जब हम डिस्कार्ड कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपने एक बार कोई प्रोडक्ट यूज़ करा और डायरेक्ट उसको डिस्कार्ड कर दिया, हमें ऐसा करना चाहिए कि उसको रीयूज़ करें जिससे टाइम बढ़ेगा, हम एक ही चीज़ को काफ़ी टाइम तक रीयूज़ करेंगे तो हमारा कम से कम वेस्ट जनरेट होगा। और जब हमने डिस्कार्ड करा उसके बाद फाइनली हमें ट्रीटमेंट करना ही है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपने अब फाइनली डिस्कार्ड कर ही दी है तो उसको ट्रीटमेंट तो हम करेंगे ना, ताकि वो और कम हो सके या उससे कुछ वैल्यूएबल चीज़ भी बनाई जा सके, बिकॉज आज के टाइम पर उससे एनर्जी बनाई जाती है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे और फाइनल डिस्पोज कर देंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड रिकवरी के बाद उसको एक डंपिंग साइट पर जाकर हम डंप कर देते हैं, और फाइनली आप फिर से एक रिसाइकल रिसोर्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये एक साइकिल है इसकी, लाइफ साइकिल, के एक नेचुरल रिसोर्स था, उसके से आपने कोई प्रोडक्ट जनरेट किया, डायरेक्ट उसको कंजम भी कर सकते हैं आप, उसको डिस्कार्ड कर दिया और फाइनल ट्रीटमेंट हो गया, डंप कर दिया डंपिंग साइट पर। लेकिन इस सब में हमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन, हमें हर स्टेप पर बेस्ड कर रिडक्शन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड बेस्ड मैनेजमेंट, प्लानिंग कैसे करते हैं। Several factor influence the selection, operation and effectiveness of any waste management scheme and need to be considered when planning a successful integrated solid waste management program. समझने की कोशिश करते हैं क्या कि जब भी हम integrated सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट की प्लानिंग करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसके, जिनका हमें सेलेक्ट करना चाहिए, वो हमें प्रभावित करते हैं कुछ फैक्टर्स इंटीग्रेटेड सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट को। वो क्या फैक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, टेक्निकल फैक्टर्स आते हैं इसमें कुछ, फाइनेंशियल फैक्टर, हमने एक चार्ट में देखा था ये पहले भी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने देखा था, एक तो होते हैं स्टेक होल्डर्स, कि आपने जो बेस्ट जनरेट किया उसको फाइनली ट्रीटमेंट या डिस्पोजल करने में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट वगैरह, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं कि किन फैक्टर्स पे हम अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं वेस्ट का,
तो टेक्निकल पैरामीटर फैक्टर है, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स हैं, सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर है। टेक्निकल की आप इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। फाइनेंशियल फैक्टर है कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, बिकॉज हर कोई चाहेगा, अगर कुछ प्राइवेट या लोकल गवर्नमेंट भी है तो वो चाहेगी कि कम से कम पैसों में आप सेग्रीगेट ट्रीटमेंट डिस्पोज कर सकें। एनवायरमेंटल फैक्टर कि इससे एनवायरमेंट को कोई क्षति नहीं तो नहीं होगी, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारी गैसें निकल सकती हैं इंसिनरेशन वगैरह में, तो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, कितनी हानि हो सकती है पर्यावरण को। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर भी देखते हैं हम, सॉरी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी देखते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम देखते हैं कि रेजिडेंशियल मतलब यहाँ जहाँ से वेस्ट जनरेट होना है वहाँ से कुछ वेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है, उस वेस्ट को कलेक्ट किया गया, सेग्रीगेट किया गया, वेस्ट को रिसाइकल किया गया। इसमें सेग्रीगेशन में ही एक पार्ट आ जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, और वेस्ट को डिस्कार्ड कर दिया, इसमें रीयूज आ सकता है, और क्या कर सकते हैं हम इसका ट्रीटमेंट या रिकवरी हम कर सकते हैं। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट का तो उससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है, और फाइनली उसको जो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ उसको हमें डिस्पोज कर देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा वॉल्यूम रिड्यूस नहीं हो सकता है। और जब ये डिस्पोज करेंगे तो सैनिटरी लैंडफिल इंसिनरेशन के थ्रू हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं उससे पहले। और रिसोर्स क्या है इसमें, प्लास्टिक, वुड, स्टील, पेपर, ग्लास, ये सब रिसोर्सेज हो सकती हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और रेजिडेंशियल से या फिर किसी इंडस्ट्री से ये सारा वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं, इसमें रेजिडेंशियल हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती हैं, और सर्विसेज हो सकती हैं लाइक हेल्थ केयर, लेबोरेटरी, जिससे हम बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, और इसी सब से एक हजार्डियस वेस्ट भी जनरेट हो सकता है। तो इस सब में हमें एक ही अप्रोच अपनानी है, इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारे पास एक वेस्ट हमने कलेक्ट करा, लाइक लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, एक पटना की आप मानिए कि स्थानीय सरकार है, वो म्यूनसिपलिटी है पटना की, वो वेस्ट कलेक्ट करती है। वो वेस्ट कहाँ से आ सकता है, रेजिडेंशियल से वो वेस्ट आ सकता है, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वो वेस्ट हो सकता है, या सर्विसेज से जो हमारे सर्विस सेंटर्स हैं लाइक हेल्थ केयर, लेबोरेटरी, उनसे वो वेस्ट आ सकता है। इस वेस्ट में ही हजार्डियस वेस्ट भी हो सकता है। तो इस वेस्ट को हमें कैसे मैनेज करना है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, सेग्रीगेट करो वेस्ट को, रिसाइकल करो वेस्ट को और डिस्कार्ड कर दो। इसमें जब रिसाइकल आप करेंगे वेस्ट को या सेग्रीगेट करेंगे तो उसमें कुछ रिसोर्स जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी रिसोर्स होंगे तो आप उनको अलग सेग्रीगेट कर लीजिए, और फाइनली जब जिनका रीयूज़ नहीं हो सकता तो उनको हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट से इसलिए हम करते हैं क्योंकि इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, उस एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, और जो फाइनल बचेगा जिसका कुछ नहीं हो सकता उसको आप एक डंपिंग साइट पर जाकर गड्ढा खोदिए, डंप कर दीजिए, ठीक है। जो ट्रीटमेंट होती है वो इंसिनरेशन वगैरह मेथड हम सब आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि वेस्ट जहाँ से जनरेट हुआ, ये तीन सोर्स मेनली हैं, उनसे वेस्ट जनरेट हुआ उसे सेग्रीगेट करा, डिस्कार्ड करा और फाइनली डिस्पोज कर दिया। ये हमारा इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अप्रोच होती है। वेस्ट जनरेटर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एक और फ्लो चार्ट है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह से वेस्ट जनरेट हुआ, यहाँ से लोकल गवर्नमेंट ने उसको कलेक्ट किया, सेग्रीगेट किया, ये समझाया गया है कि वाटर जनरेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड सेग्रीगेट, ये बता दिया आपने कि कहाँ से जनरेट हुआ, रेजिडेंस, इंडस्ट्री या सर्विसेज से, इसको कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट और सेग्रीगेट कौन करता है, लोकल गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट ने इसको सेग्रीगेट किया, और एस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकते हैं, इनका काम क्या है कि ये कलेक्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट और रिसाइकल करते हैं,
जो रिसाइकल हो सकते हैं रिसाइकल कर लेंगे, जो नॉन रिसाइकल हैं उनकी ट्रीटमेंट करेंगे सैनिटरी लैंडफिल और इंसिनरेशन के थ्रू, और फाइनली जो इन ट्रीटमेंट के बाद भी बच जाता है उसको हम डिस्पोज कर देंगे। तो इसमें कुछ स्टेक होल्डर हो सकते हैं जिनका फ़ायदा बिजनेस क्या होता है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है, कुछ रिसाइकल प्रोडक्ट भी मिलते हैं जिनको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, या फिर आजकल तो बेस टू वेल्थ का जो कंसेप्ट है, मतलब बेस से बंडर, बेस टू बंडर पार्क भी बनाया गया है। जैसे दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बेस टू बंडर पार्क बनाया है जिसमें बेस्ट मटेरियल से 7 बंडर्स बर्ड के जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं। तो इससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 3 R बहुत इम्पोर्टेंट है और रिसाइकलिंग लास्ट, इसका रिसाइकलिंग कंपोस्टिंग एंड एनर्जी के बाद फाइनली आपको जो ऑप्शन बचता है वो डिस्पोजल है, ये इसमें बताया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने डिफाइन किया है कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, चैलेंजेस क्या हैं इसके, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये हमें आई होप आपको समझ में आ गया हो, बेनिफिट इसके क्या हैं कि क्यों हमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, इसकी हायरार्की क्या है, मतलब सोपान मतलब कि आपको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूछा जाता है कि रिड्यूस पहले करना चाहिए हमें वेस्ट को, रीयूज़ पहले करना चाहिए या रिसाइकल करना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप वेस्ट को रिड्यूस करो, इसीलिए हायरार्की है। आपको सारा क्रम याद रखना है कि किसके बाद क्या आता है, रिड्यूस, रिडक्शन के बाद रीयूज आता है, रीयूज के बाद रिसाइकल, रिसाइकल के बाद रिकवरी और रिकवरी के बाद फाइनल डिस्पोजल आता है। इसके बाद हमने इसमें कौन कौन से संस्था या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ये हमने समझा। इसके बाद इसकी फ्लो चार्ट या लाइफ साइकिल क्या है वेस्ट की, वो हमने समझा कि वेस्ट जनरेट हुआ था, उसको प्रोडक्शन करते थी कुछ कंपनियां, हमने उसको कंज्यूम करा, पब्लिक ने उसको कंज्यूम करा और फाइनली उसकी ट्रीटमेंट हुई जब वेस्ट कलेक्टर ने उसको डिस्पोजल साइट पर ले गए, ट्रीटमेंट करी और डिस्पोज कर दिया, ये हमने साइकिल समझ ली। उसके बाद हमने इसमें पैरामीटर्स देख लिए कि प्लानिंग करते वक्त हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को क्या ध्यान में रखते हैं, कि उसमें टेक्निकल पैरामीटर, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल हो हम वही तो यूज़ करेंगे, फाइनेंशियल फैक्टर मतलब बहुत अगर अधिक धन लगेगा तो कोई नहीं लगाएगी, कंपनी प्राइवेट या सरकारी संस्था हो कोई नहीं लगाएगी, इसलिए हमें सारे पैरामीटर देखने पड़ते हैं, टेक्निकल भी फाइनेंशियल भी, एनवायरमेंटल को बहुत क्षति ना पहुँचे, पॉलिटिकल या लीगल फैक्टर के मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो, लीगल यही है, क्योंकि अगर आप सपोज आपने एक जहाँ पे लोग रह रहे हैं बहुत बड़ी आबादी है घनी, वहाँ जाके अगर आपने इसका प्लांट लगा लिया ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट का, तो वहाँ के लोगों को तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए वो लीगली जाके कोर्ट में कहेंगे कि यहाँ नहीं लगा सकते, तो इसलिए पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स क्या होते हैं वो देखे जाते हैं, स्टडी करते हैं प्लानिंग करते वक्त इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को भी देखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमने इसके जो ऑपरेशंस हैं उनको हमने समझ लिया कि हम पहले क्या करते हैं, जिसमें हमने समझ लिया था कि कलेक्ट करते हैं वेस्ट को, उसके बाद सेग्रीगेट, रिसाइकल, रीयूज, रिकवर, उसके बाद हमने वेस्ट को डिस्कार्ड करना चाहा जिसमें ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कि अगर कुछ उससे एनर्जी मिलनी है, रिसोर्सेज मिलनी है तो हम उनको अलग कलेक्ट कर सकें, और फाइनली जो जिसका कुछ नहीं हो सकता उसको हम डिस्पोज कर सकें या डंपिंग साइट पर डंप कर सकें। ये एक और फ्लो चार्ट से हमने इसको समझ लिया था, यही हमें आज समझना था।